शिवम शिवराज की जन आशीर्वाद को टीकमगढ़ जिले में भी कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ेगा। यात्रा के विरोध में कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ काले झंडे दिखाएंगे। इस बारे में पूर्व मंत्री यादवेंद्र का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को ये आभास हो गया है कि सत्ता अब उनके हाथ से निकलने वाली, इसलिए वो सभा कर रहे हैं। विरोध करते हुए पूर्व मंत्री यादवेंद्र ने कहा कि सीएम शिवराज की सभा के लिए 500 लोग इकट्ठा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य अधिकारी जुटे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश की जनता का अब बीजेपी की सरकार से विश्वास टूट गया है। यादवेंद्र ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी की बुरी तरह हार होगी। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह जन आशीर्वाद को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन इस यात्रा को कांग्रेस द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध करने की बात में प्रशासनिक अधिकारी की नींद हराम हो गई है। आपको बता दें कि शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा गुरुवार को टीकमगढ़ इस कार्यक्रम में कमलनाथ जी के साथ नेता प्रतिपक्ष चार पूरे संभाग से कार्यकर्ता जुटे हैं। इस काम यहाँ एक स्टेटमेंट आया अमित जी का, जो मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं, जो वह हैं दिग्गज है कांग्रेस का, कांग्रेस के दिग्गज हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनको घेरने के लिए उन 8-10 शिवराज खुद ही गिर गया, क्या गिरेगा वो, गांधी चौराहे पे सभा कर रहा है 500 की सभा। पहली बार उसको आभास होगा कि जनता कैसे जुड़ी जाती है। अभी तक तो सारे अधिकारी जो है जुड़ते थे, कलेक्टर जुड़ते थे, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जुड़ती थी, जो स्वेच्छा सहायता समूह है वो जुड़ती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ के दिखा दी कितने लोग खुद ही गिरा हुआ, अभी तक गिरेगा वो। पहली बार देख रहा हूँ कांग्रेस में थोड़ी सी जान आई है, इसका श्रेय कमलनाथ जी के आने के बाद कांग्रेस में किस तरीके से संगठन पर काम हुआ, जिस तरीके से हमने सारे कांग्रेस करने की कोशिश की और सारे मतभेद बुला के आज कांग्रेस इस बात का प्राण पर से बैठे कि अगली बार जो है सरकार बदलो। जैसा अभी आपने देखा 30 तारीख को शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर एक रैली है, इसको लेकर गांधी चौराहे क्या आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? आप बताओ गांधी चौराहे पे सभा, हाँ उसको जो है काले झंडे दिखाए पहले तो नहीं, दूसरे हम लोग काले झंडे दिखा देंगे आगे कांग्रेस कांग्रेस से चौराहे।